नमस्कार, आप देख रहे हैं TV29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां अपना पूरा दम चुनाव में लगा रही हैं। इसी कड़ी में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी जगदीश प्रधान ने करावल नगर इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें इस सभा को सफल बनाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आते ही क्षेत्रीय जनता का अभिवादन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में क्षेत्रीय जनता से करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट और मुस्तफाबाद के प्रत्याशी जगदीश प्रधान के लिए क्षेत्रीय जनता से वोटों की अपील की। साथ ही दिल्ली में सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने जो वादे जनता के साथ किए थे वह पूरे नहीं कर पाए। दिल्ली की जनता को प्रदूषित पानी और बीमारियां दे रहे हैं। राजधानी में प्रदूषण बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल और सिर्फ केजरीवाल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को आखिरकार पाकिस्तान से समर्थन क्यों मिल रहा है। मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि मोदी जी के शासनकाल में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वह देश हित में हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिल्ली की जनता को पूर्ण आश्वासन दिलाते हुए कहा कि अब की बार दिल्ली में भाजपा की पूर्ण 500 वर्षों से यहां पर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। और भाइयों बहनों, आप में से ज्यादातर लोगों ने जो नौजवान हैं, इनके पूर्वजों ने, इनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उन लोगों ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी बनकर के अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बारे में एक सपना देखा था। इस सपने को सदैव कांग्रेस इस सपने में बाधा बन रही थी, लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई है और भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब कोई बाधा रही ही नहीं है। इसका कारण बनेगी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, लेकिन कश्मीर और देश के अंदर अलगाववाद को पैदा करने वाली धारा 370 को कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग जबरन लागू करके भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। हम आभारी हैं और अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके पाकिस्तान पर एक तमाचा मारा है। अगर धारा 370 पर पाकिस्तान को परेशानी नहीं होती तो पाकिस्तान का मंत्री केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली चुनाव में समर्थन नहीं मांगता। आप देख रहे होंगे, जब उन्हें भारत से समर्थन नहीं मिल रहा है, दिल्ली वासी समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो केजरीवाल को समर्थन कौन दे रहा है? पाकिस्तान का मंत्री। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश होंगे कि पाकिस्तान जिन कारणों से खुश होगा क्या वो भारत के हित में होगा? तो फिर केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है ना। आप केजरीवाल और उसकी पूरी गैंग के इस कृत्य के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं?
और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके प्रचार प्रचार में आए यहाँ पे राहुल नगर में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे शासन व्यवस्था योगी जी ने की, उसी प्रकार के दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि बराबर से जुड़ता हुआ एरिया है, यहाँ भी इसी प्रकार से होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसी सरकार आनी चाहिए जो दिल्ली के लोगों के सुख दुख का सहभागीदारी हो, दिल्ली के विकास के लिए आगे बढ़े। तो फैसला जिस तरह से अभी दिल्ली में साइन बाग एक जगह है और जगह जगह कॉलोनियों में साइन बाग बना दिए गए हैं, इनमें राजनीतिक पार्टियों की कितनी भागीदारी मानते हैं? 100% ये वो लोग हैं जिनका देश के प्रति कहीं न कहीं कोई ना कोई कुछ न कुछ समर्पित की भावना नहीं है, वो देश के अंदर देश को करना चाहते हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, खराब करना चाहते हैं, और लोगों को भड़काया जा रहा है कि CAA का मुद्दा हो, CAA से क्या है, CAA किसी की सदस्यता जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, किसी से देश से बाहर निकालने का प्रश्न ही नहीं है, उसमें जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर आना चाहते हैं, बलूचिस्तान से आना चाहते हैं, बांग्लादेश से आना चाहते हैं, इसलिए उनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया और करावल नगर में दिख रहा है कि कैसा काम हुआ है, उसके ऊपर आपकी टक्कर किस पार्टी से रहने वाली है? मेरी टक्कर किसी के पास नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है, और जनता मेरे यहाँ की सब लोग जानते हैं, इन्होंने 5 साल में कैसे ठगा मेरे लोगों को, क्या हालत करावल नगर की, इसलिए मैं टक्कर नहीं मानता हूँ, और मेरे पे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इस बार फतेह होने वाले। उत्तर प्रदेश से और विधानसभा दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है और उसमें आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर केजरीवाल जा रहे हैं और केजरीवाल ने जो धूल झोंकने का पास किया है, दिल्ली की जनता को जो केजरीवाल ने धोखा दिया है, अब उसकी कलई फट चुकी है और जनता जान चुकी है, जनता पहचान चुकी है इनका नाटक, और जनता वोट के रूप में 8 तारीख को यहाँ जी भर के जवाब देने वाली है। और भाजपा की सरकार इसमें राजनीतिक पार्टियों की कितनी भागीदारी मानते हैं? देखिए, साइन बाग के धरने के पीछे कौन है, मुस्तफाबाद और चांद बाग के धरने के पीछे कौन है, और दिल्ली की सड़कों को जो जाम किया जा रहा है, ये जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि केजरीवाल जैसे लोग इस धरने के पीछे हैं, और इसलिए जनता ये जान चुकी है कि ये केवल इतना ही करेंगे, धरने दिलवाएंगे, धरने देते रहे हैं, इसके अलावा इन्हें दूसरा कोई काम नहीं आता। दिल्ली में कितनी सीटें मानते हैं बीजेपी? भाजपा की 2/3 बहुमत की यह सरकार बनेगी और निश्चित रूप से भारी बहुमत से जनता भाजपा को बताने जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। रोल भाई हमारे समर्थन में इनकी उम्मीदों पर खराब विधानसभा से, और आज आपने योगी आदित्यनाथ जी के मंच से ऐलान किया गया कि आपने पार्टी को समर्थन दे दिया बीजेपी पार्टी के लिए, किस तरह से और कैसे? मैं कई दिनों से शाहीन बाग का जो प्रकरण है वो देख रहा था, वो मेरी नज़र में था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यदि इस क्षेत्र से खड़ा होता हूँ तो ना जगदीश प्रधान जी जीत पाएंगे ना मैं ही जीत पाऊंगा, तो ये सोचकर मैंने देश हित में CAA के और जो एनआरसी है विरोध में लोग खड़े हुए उनके परिवारों को भांपते हुए मैंने देश हित में निर्णय लिया है, और मैं क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि देश हित में भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम जय श्री राम। संगठन में काम करते आए, निरंतर संगठन में रहे,
और शाहीन बाग को किस तरह से देखते हैं, क्या ये राजनीतिक पार्टी की भागीदारी है इसमें? बिल्कुल, मैं इसमें केजरीवाल सरकार की पूरी भागीदारी मानता हूँ, जो ये पूरे दिल्ली के अंदर माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, एक तरफा इनकी तरफ वोट सरक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो स्वयं निर्णय लेगी, देश हित में निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगा। चलो जी भाई साहब, आज आप इस कार्यक्रम में आए हो दिल्ली विधानसभा में, आप जो है प्रचार के रूप में यहाँ आए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं, क्या कहना है? ये जीत ऐतिहासिक होगी, क्योंकि जो पिछली बार जिस तरह हनुमान जी महाराज जब संजीवनी लेने गए तो काल ने भी राक्षस के साधु बन के बैठ गया था, थोड़े भ्रमित हुए, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नेशनल करेगी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के मंत्री ने केजरीवाल जी को जिताने की अपील की है, जैसे जो अभी आपने देखा पीएमआई की फंडिंग का मामला देखा, तो दाऊद इब्राहिम के साथ इस तरह से बैठ करके इनकी आम पार्टी के रफीकुल्लाह जो विधायक है उनके सहयोगी ने जाकर के दुबई में बात की, इससे पता चलता है कि राष्ट्रवादी ताकतें भारत को बर्बाद करने के लिए ये उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए केजरीवाल जी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की मानता रद्द करनी चाहिए और जनता ने तय कर दिया। आज आपने देखा होगा ऐतिहासिक भीड़ थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से राष्ट्रवादी ताकतें सक्रिय हुई है, शाहीन बाग में जिस तरह से फंडिंग के पैसे से व्यवस्था की जा रही है, तो एक एक व्यक्ति जागरूक है, दिल्ली की जनता देशभक्त है, पढ़े लिखे लोग हैं, ना कोई विकास हुआ है ना कुछ बड़ा काम हुआ है, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके मामले में जनता ये तय कर चुकी है कि हम लोग पहले देश है हमारे लिए। इस तरह से शाहीन बाग है, शाहीन बाग की तरह से जाफराबाद सीलमपुर और ये भजनपुरी में जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, क्या मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी है इसमें? ये तो क्लियर हो चुका है फंडिंग के द्वारा जिस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, अब ये लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, केजरीवाल आ रहे, लेकिन आज आप जाइए पूरे प्रदेश में पूरी तरह से मत हो चुके, और मैं समझता हूँ एक सीट आने वाली नहीं है, कोई राष्ट्रवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान में। दिल्ली में कितनी सीटें आते हैं बीजेपी की? सीट मुझे लगता नहीं कि कोई जीत पाएगा, एक सीट सारी सीट बीजेपी की आएगी, पिछली बार जिस तरह से भ्रमित करके केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया, उसी तरह से आप दिल्ली के अंदर जो किए चुनाव देवताओं के और देशभक्तों के बीच में, और दिल्ली की जनता किसी भी धर्म की और देशभक्त है जो